आपसे दोस्तों मैं आपके दोस्तों का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग बनाने वाले हैं हमारे गरीब रथ ट्रेन का जनरेटर कोच। बोले कि दोस्तों अगर आपको पता होगा हमारे पूरे इंडियन रेलवे में सिर्फ एक गरीब रथ एक्सप्रेस एक लौती ट्रेन है जो ICF ट्रेन के साथ चलती है, ICF ड्राइव के साथ चलती है और प्लस इसमें जनरेटर कोच भी है। सो मतलब कि अगर आपको याद होगा मैंने पिछले वीडियो में या मैंने WAG 7 लोकोमोटिव बनाया था ये इलेक्ट्रिक का। सो उसके पीछे आज हम लोग बनाने वाले जनरेटर, ये जनरेटर ऑफ गरीब रथ एक्सप्रेस। गरीब रथ एक्सप्रेस का अगर आपको पता चल गया होगा जनरेटर बना रहा हूँ तो आपको लग ही गया होगा कि आज बल्कि हमारी जो ये ट्रेन है प्लेटफॉर्म नंबर 12 पे ये होने वाली हमारी गरीब रथ एक्सप्रेस। सो दोस्तों आप जो सोच रहे हो एकदम सही है, ये हमारी गरीब रथ एक्सप्रेस ही होने वाली है। सो अभी इसका ये बेस कंप्लीट करने के बाद आपसे मिलता हूँ। सो ऑलरेडी दोस्तों आप देख सकते हो तो मैंने यहाँ पर बना दिया है बेस। सो एक काम करते हैं हम लोग गार्ड सेक्शन से स्टार्ट करते हैं पीछे से। सो मतलब कि इसमें सिंपल है, यहाँ पर इस ये ना गरीब रथ में ICF रैक है। सो अगर आपको याद होगा ICF रैक में जो DL कोच होता है या जनरेटर कोच होता है उसमें हमारा जो लास्ट मतलब कि जो DL कोच होता है ना वो जुड़ा हुआ रहता है, पर इसमें जुड़ा हुआ नहीं रहने वाला। और ये इसमें है ना ये हमारे AC कोच होने वाला है। सो अभी इतना रख देते हैं हम लोग इसमें, फिर बाद में इसमें यहाँ पर इसमें ये AC के ग्लासेस होंगे एकदम सेंटर में। और एक काम करते हैं हम लोग है ना बात ये हमारे वॉशरूम्स के लिए ब्लैक कलर का ग्लास लगा देता हूँ, एक इधर और एक इधर। सो ये हो चुका है। इसके बाद एक काम करते हैं अभी हम लोग यहाँ से इधर से रहेगा हमारा दिव्यांग कोच। हाँ दोस्तों इसमें दिव्यांग कोच भी होता है। तो एक काम करते हैं यहाँ पर ये हमारे दो फिर में यहाँ तक फिर में यहाँ से ये कवर। सो दिव्यांग कोच हो गया ये, यहाँ पर हो जाएगा हमारा दरवाजा और इतना हो जाएगा हमारा बाथरूम। सो दिव्यांग कोच भी इसमें होता है AC में। सो इसमें भी AC लगा देते हैं और यहाँ पर बाथरूम। सो यहाँ पर ये हो चुका है, यहाँ पर हम लोग इसको कर देते हैं पैक। सो ये हो चुका है, यहाँ इस इधर से पूरा यहाँ पर जनरेटर का होगा और यहाँ पर रहेगा हमारा दरवाज़ा ताकि हम लोग जनरेटर का जो कोच है जनरेटर सेक्शन को हम लोग एक्सेस कर सकें। सो यहाँ पर एक काम करते हैं इसको करते हैं। सो यहाँ पर लगाएंगे हम लोग हमारे जनरेटर्स, इधर लगाएंगे हम लोग दो तीन वाला और इधर लगाएंगे हम लोग दो वाला। सो यहाँ पर ये सो ये हो चुका है। अभी चलते इधर भी सेम एज इट इज़ ऑपोजिट में करना है। सो यहाँ पर तीन जनरेटर, बाद में दो नॉर्मल, दो जनरेटर, बाद में सिंगल। सो ये हो चुका है। सो आप देख सकते हो मैंने लगभग ढांचा बना दिया है। फिर यहाँ पर एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर लैडर्स भी लगा देते हैं। और साथ साथ में एक काम करते हैं हम लोग ये वाला भी ले लेते हैं क्योंकि क्या है ना इसमें ये अभी यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि मैंने ये क्यों लिया है। और एक काम करते हैं यहाँ पर हमारा बाथरूम का भी ले लेते हैं क्योंकि साथ साथ में बाथरूम भी कंप्लीट कर देते हैं, बाथरूम करेंगे तो अच्छा ही है। सो इधर तो ये कर देते हैं, फिर बाद में अभी वहाँ पर गार्ड सेक्शन का भी सेम एज इट इज ऐसे कर देते हैं। हाँ यहाँ पर दरवाजा भी लगा देते और इधर ऐसे दरवाजा। फिर हमने यहाँ पर हमारे ये दोनों डोर्स और इसमें एक और ट्विस्ट है, इसमें जो ये होता है सेंटर में यहाँ पर होगा ऐसे क्योंकि ये हमारा जो ये है क्योंकि ये एक्चुअली हमारा जो ये ICF रैक है और ICF रैक में यहाँ पर लास्ट में ऐसे विंडो होता है ये गार्ड कोच के लिए। तो हमें अभी यहाँ पर लगाएंगे येल्लो वाला ब्लॉक क्योंकि ये हमारा गरीब रहता है तो ये लगने वाला ही है। फिर हमें यहाँ पर हम लोग कर देंगे कवर ताकि अच्छे से दिखे। तो हमें यहाँ पर एज इट इज़ वही जो जो मैंने ढांचे बनाए थे उन सबको करते कवर। सो यहाँ पर हम लोग छोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें लगाना है जनरेटर फिर से और इधर भी सेम एज इट इज़, यहाँ पर भी ऐसे कवर। बस यहाँ पर ये हमारा ऑरेंज कलर में मैं यहाँ पर लगाऊंगा ये क्रॉस का साइन। सो यहाँ पर भी सेम एज इट इज़ कर दें, इधर भी ऐसे
फिर आज मैं इधर ऐसे, और ये हो गया हमारा कंप्लीट। सो यहाँ पर ये इतना हो चुका, बल्कि इस बार मैं ऐसा कर रहा हूँ कि हम लोग लेयर बाय लेयर कर रहे हैं ताकि एकदम अच्छा लगे। सो फिर में ये इतना हो चुका है, अभी हम लोग इसके ऊपर का कर देते हैं। सो ये इसका ये थर्ड लेयर कंप्लीट करने के बाद आपसे मिलता हूँ। सो ऑल दोस्तों आप देख सकते हो मैंने ये थर्ड लेयर भी कर दी है। सो अभी यहाँ पर एक काम करते हैं, हम लोग रूफ का काम कर देते हैं। सो इसमें ये बहुत सारी ऐसे ना ये कंपार्टमेंट्स बने इसमें, तो इसमें थोड़ा सा डिटेलिंग वर्क लगेगा। सो ये हो चुका है दोस्तों। सब एक काम करते हैं, यहाँ से लगाते हैं हम लोग साइड में ये स्लोप्स, फिर आप में यहाँ पर सेंटर में हम लोग जो ये लैंप्स है वो लगाएंगे। सो ये हो चुका है हमारे स्लोप्स, भी काम करते हैं यहाँ पर हम लोग सेंटर में लगा देते हैं लैंप्स। सो यहाँ पर ये लैंप्स लगा देते हैं। सो दोस्तों अभी मतलब कि इसके अगर आपको याद होगा मैंने लगभग बोला था 13 प्लेटफॉर्म्स अभी तक हम लोग बना चुके हैं, उसमें से हम लोग ये गरीब रथ 12th प्लेटफॉर्म पर बना रहे हैं। और एक और चीज़ बतानी थी, ये हमारे जो गरीब रथ ट्रेन है उसमें सारे थर्ड एसी कोच है, और मैं भी थर्ड एसी कोच ही बनाने वाला ऑब्वियसली, पर इसमें मैं कुछ कुछ आइस उत्कृष्ट कोच बनाऊंगा और कुछ कुछ गरीब रथ कोच बनाऊंगा। सो उन सब के वीडियोस आएंगे। अभी आप देख सकते हो हमारी गरीब रथ कोच एकदम ब्लाक जवाब लग रही है, जनरेटर कोच। सो अभी एक काम करते हैं यहाँ पर हम लोग लगा देते वायरिंग, क्योंकि वायरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और वायरिंग मैं ना जनरेटर कोच से ही ना जोड़ने वाला हूँ, जो जनरेटर साइड है वहाँ से जोड़ने वाला हूँ मैं, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। इधर में लगाने वाला हूँ हमारा ये, ओके ये ऐसा कनेक्ट नहीं होता, तो ठीक है थोड़ा नीचे लगा देते हैं, ये ऐसे लगा देते हैं, ओके नहीं होता, नथिंग हैपेंड, अरे ऐसे क्यों नहीं होता, ओके समझा, इसको ऊपर रखना है फिर बाद में इसको हमें लगाना है नीचे। हाँ अब हुआ ना दोस्तों, एक काम करते अभी चलते हैं अंदर, पहले काम करते ऊपर जो मैंने ये सारा काम किया है उन सब को कर देते, छुपा देते हैं, चलो डन। सो ये हो चुका है दोस्तों, अभी चलते हैं अंदर, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे मैंने यहाँ पर किया है। सो अभी यहाँ पर इस साइड का हमें जनरेटर्स बाकी है, सो इस साइड के भी जनरेटर्स हम लोग लगा देते हैं, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2। सो ये हो चुका है, अभी चलते बाहर। सो ये दोस्तों आप देख सकते हो हमारा लगभग हो चुका है, अभी चलते हैं दिव्यांग कोच के अंदर। सो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ऐसे, यहाँ पर डबल और यहाँ पर सिंगल, यहाँ पर सिंगल इधर डबल, यहाँ पर हम लोग चेयर्स, वैसे दिव्यांग कोच में ऐसे नहीं होता, पर थोड़ा मैं शॉर्ट करने के लिए मैंने ऐसे बनाया, वरना दिव्यांग कोच तो आपको पता ही, मैंने एलएचबी कोच में बनाया था। सभी काम करते अभी बनाते हम लोग गार्ड सेक्शन, इसमें बस LHB में क्या होता है, LHB जो हमारा गार्ड ये जनरेटर होता है LHB का ग्रे कलर में, उसमें ये ऐसे दरवाजा नहीं होता, पर इसमें मैंने दरवाजा लगाया ICF कोच इससे लिए। सो यहाँ पर एक काम करते इसको हम लोग थोड़ा सा आगे लगा देते इधर, ताकि इधर ये L शेप चेयर बन जाएगी, और यहाँ पर पीछे ये लगा के इसको लगा देंगे वायरिंग, ऐसा लगेगा कि ये हमारा सारा सेक्शन है, इसको ऐसे ही कर देते हैं। फिर बाद में यहाँ पर हम लोग यहाँ से लैंप लगा देंगे, सो बढ़िया है, सो ये हो चुका है। अभी यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से एकदम जॉइंट अच्छा है। सो अभी ये हो चुका है हमारी गरीब रथ का पूरा कोच कंप्लीट। अभी एक फाइनल टच बाकी है, आपको पता ही है क्या है, वो है हमारा क्रॉस साइन और एक रेड लाइट। सो अभी क्रॉस साइन के लिए तो मैं ऑरेंज यूज़ करने वाला, कि इसमें ऑलरेडी मैंने येलो यूज़ किया हुआ है, इसलिए मैं येलो तो यूज़ नहीं करने वाला, ऑरेंज यूज़ करूँगा। यहाँ पर 1 इधर 2 3 4 5, सो ये हो चुका है दोस्तों, आप देखते हो तो एकदम मस्त लग रहा है, और सामने वो ब्लॉक को भी तोड़ देते हैं। सो दोस्तों अभी आप देख सकते हो हमारी गरीब रथ ट्रेन का जो ये है
जनरेटर उसको लगभग खत्म कर दिया मैंने, पर एक फाइनल टचअप यहाँ पर ये लाइट, हाँ ये लाइट और हमारा नामकरण गरीब रथ ट्रेन का। सो ये गरीब रथ ट्रेन होने वाली है हमारी, ये तीन, ये गरीब रथ ट्रेन होने वाली हमारी बांद्रा से, बांद्रा टर्मिनस, एक काम करते मुंबई लिख देते, मुंबई से ये होने वाली है दिल्ली तक। और इस ट्रेन नंबर, इस ट्रेन का नंबर होने वाला है हमारा 12354। गरीबों की जान एसी में, गरीब रथ, गरीब रथ एक्सप्रेस। सो दोस्तों अभी आप देख सकते हो हमारी गरीब रथ एक्सप्रेस हो चुकी है कंप्लीट, और इसी के साथ साथ सुबह भी हो चुकी है। सो दोस्तों अभी आप देख सकते हो हमारा इलेक्ट्रिक ब्लू कलर वाले कोच के पीछे हमारी गरीब रथ ट्रेन, क्या लाजवाब ट्रेन तो नहीं बोल सकते, हमारा ये जनरेटर कोच क्या लाजवाब लग रहा है। और प्लस जो हमारे दोनों दरवाजे हैं, गार्ड सेक्शन और ये जनरेटर के बीच में जो हमारा दरवाजा दिव्यांग कोच का, वो तो माइंड ब्लोइंग लग रहा है दोस्तों। सो दोस्तों आज के इतना ही, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, मिलते हैं कौन नए लाजवाब वीडियो में। और दोस्तों मैं देख रहा हूँ आप लोग है ना, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, पर आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। प्लीज रिक्वेस्ट है लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो, और साथ साथ में सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको ऑल में सेट कर दो, ताकि जो भी इंटरेस्टिंग वीडियोस है वो आपको जल्द से जल्द पहुंच सके।